दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम विद ऑल ऑफ यू, और लगता ही नहीं कि मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ. एक फैमिली है, एक परिवार है ये, और बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज मैं पाश की कविता घास जैसे आदमी की दास्तान आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ. और इससे पहले कबीर जी ने कुछ लिखा है वो बोलूँगी. कबीर लिखते हैं, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली होए. उनके लिए यहाँ घास उपेक्षित या दबे हुए कुचले वर्ग का प्रतीक है, किंतु साथ ही उसकी शक्ति से भी वे परिचित कराना नहीं भूलते. तो पाश ने भी घास एज अ मेटाफर को एक से ज़्यादा तरह से इस्तेमाल किया है. तो प्रस्तुत है कविता घास जैसे आदमी की दास्तान. ऊंट चराता तेरा श्रवण कुमार भाई, ऊंटों ने चर लिया है बहन, वह अब तुझसे मिलने नहीं आएगा. दिल तो बहुत करता था कि आके तेरी सांस से छुपा के रखा हुआ घी निकलवाऊं, या सूखी चीनी की कटोरी उसके माथे पर दे मारूं. पर ना मुराद ऊंटों का अजब किस्सा है, ना यह आप दिखते हैं और ना उड़ती हुई धूल दिखती है. बस बूटों के चरने की आवाज सुनाई देती है जब वो बागियों के गीतों को निकल रहे होते हैं. मुझे तो लगता था कि ऊंटों के लिए मेरी आंखों में फैली हुई हरियाली ही बहुत है, पर जब उन्होंने मेरे हाथ खाए तो मेरे जुए विहीन अंग मेरे वहंगी ना उठा पाने के बारे में कुछ नहीं समझ सके. अब तेरा इंजरी का चाव गांव की सरहद वाले कीकर पर टंगा हुआ है, किसी अनछुए कफन की तरह बहन सरफे के खेतों को बोराए हुए ऊंट रौंद रहे हैं. धन्यवाद.